हेलो फ्रेंड्स, शिवांगी किचन न्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज मंचूरियन, जो कि घर पे बड़े ही आसानी से बन जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। वेज मंचूरियन बनाने के लिए हम यहाँ पर मेन इन्ग्रीडियंट्स पत्ता गोभी ले लेते हैं और इसको कद्दूकस कर लेंगे बारीक से। और बहुत ही कम टाइम में आसानी से बनने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पे मेरी सारी गोभी मैंने कद्दूकस कर ली है और जो मोटे मोटे पत्ते छूट गए थे इनको मैं दोबारा से कर लेती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग ये हो चुका है। और अब मैं इसको बाउल में डालूँगी। इससे मैं मिला लेती हूँ नमक, ये गरम मसाला पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च, इनको मैं अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। तो हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि गोभी पानी छोड़ती है तो मैंने यहाँ पे ये मैदा डाल दिया, मैदा थोड़ा इसको बाइंड करने के लिए। और ऊपर से मैं इसके साथ थोड़ा 2 चम्मच बेसन भी डाल देती हूँ। आप बेसन की जगह कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं अब यहाँ पे अच्छे से मिला लेती हूँ और आप में से भी बहुत सारे लोग बनाते होंगे। तो यहाँ पे मेरा ये जो है बैटर वो तैयार हो गया है। और इसकी मैं छोटी छोटी बॉल बना लेती हूँ। अब हम यहाँ पे कढ़ाई को हाई फ्लेम पे गरम कर लेंगे और इसमें मैं रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ। जैसे मेरा ऑयल हीट हो जाएगा, अच्छे से गरम हो जाएगा, तो मैं इसको मीडियम फ्लेम पे रखूँगी। तो ऑयल यहाँ पे गरम हो गया है और अब मैं इसमें ये एक एक करके बॉलें डाल दूंगी सारी जो बना रखी हैं। और इनको डालने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे ये एकदम से जल जाएंगी बाहर से और अंदर कच्चा ही रहेगा। तो हमें एक बार ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे करेंगे और लगभग लगभग जब तक ये क्रिस्पी ना बन जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब तक इनको पकाते रहेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी बॉल गोल्डन ब्राउन अच्छे से हो गई है। अब मैं इनको निकाल लूँगी और इसी तरीके से बाकी की बची हुई बॉल्स भी इसमें डाल दूँगी। बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी होता है। जैसे कि आजकल हम बाहर से कुछ ला नहीं सकते, खा नहीं सकते, तो घर में ये आसानी से बनने वाली रेसिपी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती हैं। तो यहाँ पे ये इसी तरीके से हमारी बाकी की बॉल्स भी फ्राई हो रही हैं। इनको भी निकाल देंगे हम। और इसी कढ़ाई में मैंने तेल कम करके इसमें मैं ग्रेवी बना लूँगी। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल थोड़ा बचा लिया था और उसमें ये कटा हुआ प्याज डाल लेती हूँ। और प्याज को हल्का भूनने पे, हल्का सा जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें थोड़ा सा मैंने एक टमाटर, एक मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना रखा है, इसको मैं इसमें मिला लूँगी।
इनको अच्छे से मिक्सअप करने के बाद ये नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, ये लाल मिर्च पाउडर, और इसमें भी मैं थोड़ा गरम मसाला पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेती हूँ। और ये जो थोड़ा मसाले हैं इनको पकाने के लिए थोड़ा सा पानी डाल दिया उसी जार में। अब ये मसाले पकने के बाद मैं यहाँ पे शिमला मिर्च और ये कद्दूकस की हुई फूल गोभी डाल लेती हूँ और इसको 2-4 मिनट पकने दूँगी। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस ले लिया है और ये थोड़ा सा ग्रेवी को गाढ़ा बनाने के लिए 2 चम्मच मैदे का आटा और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसका घोल मैं इसमें डाल लेती हूँ जिससे कि हमारी ग्रेवी थोड़ा गाढ़ी बन जाए। तो यहाँ पे ग्रेवी बन चुकी है, पक चुकी है और अब मैं इसमें ये मंचूरियन मैंने डाल दिए हैं और ऊपर से मैं ये रेड चिल्ली सॉस डाल रही हूँ। तो लगभग लगभग हमारी रेसिपी बन के तैयार हो गई है और इसमें अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है और टेस्टी लग रहा है। तो अब मैं इसमें नींबू का रस निचोड़ लूँगी ऊपर से। तो यहाँ पे हमारे वेज मंचूरियन बनके तैयार हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज की रेसिपी यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।